सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डे 6। और अभी सुबह के 5 बज गए अपने में, मुझे तो काफ़ी लेट हो गया है आज भी, क्योंकि कल रात काफ़ी लेट हो गया था सोने में। सो अगर आपको जल्दी उठना एक हैबिट बनानी है तो रात को जल्दी सोना ज़रूरी है, वरना फिर वो शॉर्ट टर्म गोल रहेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आपका अगला दिन पूरा ख़राब हो जाएगा क्योंकि आपकी नींद कम होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि रात को जल्दी सोया जाए। सो अभी अपनी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो अभी 6 बज चुके हैं और एडिटिंग अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो दिन में मेरे को करनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। सो अपना जो दिन है ना पूरा, वो पूरा मतलब शेड्यूल्ड है और अपने पास कुछ भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि अगर कुछ किसी चीज़ में अगर मतलब नहीं हो पाई कोई चीज़ तो किसी में एडजस्ट हो जाए। सो इस जगह मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कभी कभी उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कहीं और सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एडिटिंग नहीं हो पाई थी प्रॉपर तरीके से टाइम पे, फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा था कैसे अपलोड करूँगा, तो उसकी वजह से और चीज़ों में सेक्रीफाइस हो रहा था। तो अभी अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने चलते हैं, एडिटिंग को बाद में देखेंगे। सो पहले क्या होता था, सुबह सुबह उठकर सोशल मीडिया खोल लेना, फ़ोन चला लेना, इंटरनेट ऑन करके वीडियोस देख लेना। तो इससे क्या होता था, माइंड में कंफर्ट जोन बनता था कि यार छोड़ो यार, नहीं करते मॉर्निंग रूटीन, या फिर नहीं जाते सुबह ऊपर छत पे, कमरे में ही हैं, आराम से बैठते हैं, फोन चलाते हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है। अभी जब मैं इंटरनेट ऑन नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में एक रूटीन है वो फॉलो करना है, तो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है इतना। अभी सपोज आपको रनिंग करनी है या वर्कआउट करना है, तो आप बस फोन छोड़ दो, रूम से निकल के बस उस जोन तक पहुंच जाओ जहां आपको वो एक्टिविटी करनी है। अभी मैं छत पे आ जाता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। आने तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है माइंड में कि यार जाना पड़ेगा और ये वो, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं बैक ऑफ द माइंड, बट एक बार जब आप उसको ओवरकम कर लेते हैं ना तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अभी मैं ऊपर आ जाता हूँ ना तो मुझे इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप सारा कुछ फ्लो में रहता है। ये चीज़ मैं फील कर पा रहा था तो मैं आपके साथ शेयर की। अभी मॉर्निंग रूटीन करते हैं। डन विद द स्ट्रेचिंग मेडिटेशन, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो रही है आज, तो पहले से ही स्वेट आ रहा है। चलते हैं, फ्रेश होता है मस्त और बैठते हैं अच्छे से जल्दी से, क्योंकि आज का एडिट बाकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए टाइम निकाल पाऊँ कहीं ना कहीं से। सो अभी नहा धोकर फ्रेश हो गए और टाइम हो गया 8:05। काफ़ी टाइम के साथ चल रहे हैं अभी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। अभी मैं अपनी स्किल के लिए 1 घंटा दूंगा 8 से 9, उसके बाद अपना जॉब का शुरू करेंगे, तो उस पर लगते हैं, फिर मिलते हैं। अपना वेट चेक करते हैं। पे
सो आज का वर्कआउट खत्म होते हुए ऐसा फील आता है वर्कआउट खत्म होने के बाद कि आज का सारा कुछ डन हो गया, अचीवमेंट हो गया एक जैसे की कॉल, और एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो अभी ये चैलेंज और भी ज्यादा टफ होता जा रहा है मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। पूरा दिन जॉब का काम करने के बाद हिम्मत नहीं बचती, और फिर रात को एडिट करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सो अभी थोड़ा थोड़ा मैं मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चैलेंज ले तो लिया है बट इसको पूरा कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है अभी, तो कोशिश तो करेंगे ही, होता है नहीं होता वो बात की बात है। और हाँ, एक चीज़ और मैं फील कर पा रहा हूँ कि यार 50 डेज तक क्या वही सब चीज़ रिपीट दिखाता रहूँगा मैं? तो मुझे यार कुछ आइडियाज़ दो, इन 50 डेज में मैं आपको क्या क्या दिखा सकता हूँ। सेम वही चीज़ दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे सेम वही रिपीट वही चीज़ें दिखा के। तो आप कमेंट्स में बताओ किस टॉपिक पे बात करूँ, क्या वीडियोस बनाऊँ मैं, तो कुछ आइडियाज़ आपकी तरफ से भी चाहिए, तभी इन 50 डेज को सस्टेन कर पाएंगे वीडियोस की फॉर्म में। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं ना तो ऐड कर दो अपने रूटीन में, सच बता रहा हूँ 15 डेज के बाद आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि यार आपने वर्कआउट शुरू किया, मुझे तो मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा फील होने लगा है, अभी बॉडी में एक पंप आने लगा है और वर्कआउट इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं अभी अपने पास, वो सेटअप नहीं हो पा रहा है मेरे को लगता है, कहीं संडे में ही ना हो प्रॉपर, फिर वेट ट्रेनिंग करेंगे अच्छे से एकदम। बाकी आज तो काफ़ी इन्जॉय किया, और आज वीडियो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है काफ़ी, और दो बार अपलोड करनी पड़ी, फिर भी टाइम पे नहीं आ पाई। बस फिलहाल तो यही है, और आज शादी में जाएंगे होपफुली, उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि नहीं जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में ये और वो, तो एडिट छोड़ दूंगा आराम से, सुबह जल्दी उठ के फिर करूँगा। सो अभी डन होती है अपनी रीडिंग। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग कि मैं 10 पेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ डेली के, मैं कम पेजेस पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 10 पेज पढ़ के और उसमें से मैं कुछ समझू ही ना, तो उस 10 पेज को मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं चाहे एक पेज पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस बुक में है क्या, उसमें बताया क्या क्या है, मेरे लिए वो कैसे बेनिफिशियल। इस रूल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग कि आप उतना पढ़िए जितना आपको ठीक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बस पढ़ना डेली, तो वही मैं कर रहा हूँ। अगर आपको 10 पेजेस पढ़ने अच्छे लग रहे हैं तो 10 पेजेस पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे साथ ये चीज वर्क कर रही है तो मैं वही कर रहा हूँ। और हाँ, मेरी रीडिंग की हैबिट भी नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने की, तो मैं धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाऊंगा। एकदम से मैं 10 पेजेस पढ़ने लगूंगा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब मन नहीं लग रहा और ये वो काफी सारी चीजें आ जाएंगी, तो मैं कम से शुरू कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे, ऐसे ही हर हैबिट के साथ होता ही है। तो अभी वापस आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। 10 बजने वाले हैं, नींद आने वाली है मेरे को बहुत तेज वाली, तो मैं कुछ नहीं करने वाला, अभी चेंज करूंगा और डायरेक्ट सोऊंगा, एडिटिंग सुबह होगी जो भी होगी। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स में बताना, तो मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।